नमस्ते सर, मेरा नाम अदिति भुटिया मदान है और मैं दार्जिलिंग हिमालयस में पैदा हुई और पली बड़ी। मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ और साक्ष मुझे लोग मोमो मामी के नाम से भी जानते हैं। मैं फ्रोजन मोमोज का बिजनेस कर रही हूँ, इनफैक्ट फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स। माई कंपनी नेम इज ब्लू पाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और आज मैं यहाँ पे आई हूँ 5% का शेयर लेके 50 लाख की मांग रखने। हम 100% प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, प्रिजर्वेटिव्स फ्री, स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी और हिमालयन ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स के साथ मोमो बनाते हैं। हमारे मोमोज की शेल्फ लाइफ 4 महीने से ज़्यादा है। हमने अब तक 80 लाख से ज़्यादा मोमोज बनाए हैं और बेचे भी हैं। हमारा फ्रोजन मोमोज हम होरेका, होटल, रेस्टोरेंट और कैफेज को देते हैं और इसके अलावा हमारा फ्रंट एंड QSR जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है बाय द ब्रांड नेम यंकीज, इसके माध्यम से भी आप लुफ्त उठा सकते हैं। मेरा विजन है कि ब्लू पाइन फूड्स को मैं इंडिया का नंबर 1 हिमालयन फूड प्रोसेसिंग कंपनी बनाऊं। सो शार्क्स, आपकी अनुमति से मेरे अपने 2 co-founders को यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगी। प्लीज प्लीज। Welcome, guys. Hi, Sharks. Hi, Hello. Sharks. Hi. My name is Rohan Singh. I am 37 years old, और मैं जयपुर राजस्थान से आता हूँ। मैं actually एक professional chef हूँ। Very good. मेरा नाम नवीन पवार है, मेरी उम्र 30 साल है और मैं बीकानेर राजस्थान से आता हूँ। So, Sharks, क्या मैं आपकी अनुमति से अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दिखा सकती हूँ? प्लीज प्लीज, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, देख देख के कुछ हो रहा है। थैंक यू। सो शार्क्स, जैसे आप देख सकते हैं हमारा अभी का करंट फ्रोजन B2B पैकेजिंग है। हम स्टीमर को लेते हैं और पानी उबल रहा है, हल्का सा हम इसमें ग्रीजिंग करते हैं। हमारा स्ट्रेंथ है हैंड क्राफ्टेड मोमोज इन डिफरेंट शेप्स एंड वेरिएशन। सो हमारा स्किन फ्लावर्स भी डिफरेंट काइंड है, जैसे मैदा और आटे के अलावा और भी तरीके के स्किन फ्लावर्स अवेलेबल है, जो वीगन भी है, ग्लूटेन फ्री भी है। सो मैं इसको स्टीम करने के लिए रख दिया। सो साथ मैंने आपके लिए थोड़ा सा मोमोज पहले से ही थोड़ा स्टीम करके रखे। बड़ा इंतजार हो रहा है, कब से कह रहे हैं मोमोज हमने। इससे शुरू कीजिए यार, यार दिख नहीं रहा यहाँ पे कौन है जो मोमोज की वेट कर रहा है। ये नॉन वेज है, ये सब ये दे दो। थैंक यू। मोमो मामी, यू वांट टू सी हिज एक्सप्रेशन। मैंने मोमोज के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रही थी, जैसे कि मैं दिल्ली में थी तो दिल्ली NCR में हिमालयन कुजीन के लिए मैं तड़पती थी, ऑथेंटिक ट्रेडिशनल, क्योंकि वहाँ पे जैसे स्ट्रीट में जैसे मिल रहा होता था या सोल नरिशिंग फूड नहीं मिलता था, तो उसके लिए मैं क्रेव करती थी। तो इस चीज़ की वजह से सोचा कि क्यों ना हम कोशिश करें टू चेंज द वे इंडिया ईट्स। मैं ना मोमोज बहुत पसंद है मुझे, ये आपके मोमोज बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आई थिंक बाकी शार्क्स भी है। Yes, thank you, thank you. Thank you. And this Szechuan sauce भी आपका है? जी, काफी अच्छा है, because oil कम है and काफी amazing है। एक चीज ये बताइए, जो आपने यांकी बोला, ये क्या वेंकीज की तरह एक फ्रोजन फूड का ब्रांड है या ये आपका रेस्टोरेंट है? ये हमारा फ्रंट एंड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। और ये यांकीज नाम कैसे आया? यांकीज नाम मेरा फॉर्मर नेम, जो बिफोर मैरिज मतलब शादी से पहले यांगछेन लम्बू भुटिया है, तो शादी के फेरों के टाइम में नाम चेंज हुआ था, तो अदिति मदान मैंने यूज़ किया था, तो वही नाम मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम माय इन-लॉज, ज़्यादा इमोशनल थी टुवर्ड्स माय हस्बैंड एंड माय फैमिली। अश्नीर शाह को मैं बताना चाहूँगी कि हमने अपना पहला आउटलेट जो है यांकीज मालवीय नगर से ही शुरू किया था। अरे बढ़िया, हमारा तो दफ्तर ही मालवीय नगर में। आई वाज सो एक्साइटेड, मतलब कि आपसे मिलना, मुझे लगता है कभी ना कभी आपने हमारे मोमोज भी खाए होंगे ऑर्डर करके। नहीं, अभी तक तो नहीं खाया, पर आगे से आपके ही खाने वाला हूँ। जी जी। तो आपके करंट बिजनेस में आपका QSR एंड प्रोडक्ट में का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या सेल्स हैं? हमने अब तक 3.60 crores का किया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हमने जब शुरू किया था अपना बिजनेस तो हमारा सेल था 9 lakhs। सेकेंड ईयर हम जैसे गए 27 lakhs पे पहुँचा, थर्ड ईयर 47 lakhs का पहुँचा,
उसके बाद हमने अपना QSR इंट्रोड्यूस किया तो हमारी सेल्स गई 74 लाख। देन फिफ्थ ईयर 1.09 CR। देन पैंडेमिक आया, थोड़ा सा हिट लिया हमने, ज्यादा नहीं, हम 95 लाख पे आए। अभी करंटली दिस क्वार्टर, दो क्वार्टर जो हुए, एक तो पैंडेमिक में निकल गया, सेकंड क्वार्टर वी ऑलरेडी डिड 50 लाख। आपने जो अभी तक सेल करी है इसमें हुरेका का क्या कंपोनेंट है और डायरेक्ट टू कंज्यूमर का क्या कंपोनेंट? बिफोर पैंडेमिक 60-40 था, 60 B2B था, 40% QSR का थ्रो, बट करंटली QSR लीड कर रहा है 60-40 में। तो दो टाइप के बिजनेस होते हैं, B2B और B2C। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो समझो आप शैम्पू बेचते हो और आपका एंड यूजर जो है वो है एक होटल वाला, तो आपने अपना शैम्पू उस कस्टमर को बेचा जो है होटल, तो वो हुआ B2B। और यही अगर आपने अपने वेबसाइट से या किसी रिटेलर से एंड कंज्यूमर को बेचा यही शैम्पू, तो उसको बोलते हैं B2C। तो एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी जो आप 50 लाख रुपए लेंगे उसका यूज क्या है? कुछ आउटलेट्स हम खुद के खोलेंगे और कुछ हमें फैसिलिटी एनहांसमेंट के लिए चाहिए और थोड़ा वर्किंग कैपिटल तो हो गया और थोड़ा ऑपरेशन के। ओके, आप इतनी शुद्ध और इतनी अच्छी हिंदी कैसे बात करती हैं? शख्स वो मुझे भी ज़्यादा ध्यान नहीं था, बट जब मैं स्कूल में थी मैं रिकॉल करती हूँ कि शायद हिंदी में सबसे टॉप में मेरा ही नंबर आता था। अच्छा। और मे बी बिकॉज मेरे दादाजी जो मुझे काफ़ी डिक्टेशन कराते थे उसकी वजह से शायद काफ़ी शायद एक वो वजह थी, और शायद एक और वजह ये थी कि लिखा हुआ है कहीं कि आप आज यहाँ आने वाली थी। जी बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस। तो मैं सिलसिला शुरू करता हूँ, जब तक मैं बोलूंगा ही कोई नहीं बोलेगा, ये सवाल पूछते रहेंगे जी, जी, आपके जी, दादा क्या कौन थे, दादी कौन थे, सबको तसल्ली मेरे से है कि मैं शुरुआत करूँ। जी जी, मेरे बोलने पे सब बोल देंगे हाँ हमको भी डालना है इतना परसेंट इतना परसेंट, ये बात सच है। तो देखिए मेरा तो बहुत ही सिंपल ऑफर है आपको, 50 लाख का है बट मेरे को 7% चाहिए। अगर आप करते हैं तो करिए, अगर आप मेरे से जाते हैं तो मेरा ऑफर एक्सटिंग्विश हो जाता है। मेरे को तो लगता है आपको ले लेना चाहिए, मेरे ख्याल सुन लो, मैं इंटरेस्टेड हो रहा था ये बिजनेस में, लेकिन प्लीज लेकिन सुनिए सुनिए बात सुनिए पूरी, मोमो मामी बात सुनिए थोड़ा, अश्नीर ने जो ऑफर दिया आपको वो मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑफर है जी। मैं इससे कम का ऑफर आपको दे नहीं पाऊंगा, तो इस वजह से आई एम आउट। मुझे भी लगता है ये अच्छा ऑफर है, और क्योंकि ये इंडस्ट्री से मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी आउट। अगर मैं ऑफर दूंगी तो आपका एक्सप्लोड हो जाएगा ऑफर? आप दीजिए फिर देखिए क्या एक्सप्लोड होता है। मेरा एक तो मानना है कि वो यंकीज शायद डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सर्विस बिजनेस चलाना प्रोडक्ट बिजनेस चलाना बहुत डिफरेंट है, अनलेस इट इज़ अ फ्रेंचाइज कि आपको उसमें कुछ करना नहीं है, मुझे नहीं लगता वो पार्ट ऑफ द बिजनेस चलाना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपके ब्लू पाइन बिजनेस को वैल्यू कर सकती हूँ, एंड इन द ब्लू पाइन बिजनेस मुझे लगता है बेस्ड ऑन द रेवेन्यू 50 लाख आई वुड बी हैप्पी टू ऑफर यू, बट मुझे उसके लिए 20% स्टेक चाहिए। 20%? मैं अपना व्यू बताता हूँ, मुझे जब आपका नाम आया ना मोमो मामी, मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो इसका नाम कर दूंगा, मेरा बस चलता तो मैं करूँगा मोमो मामी के नाम से, ठीक है? इसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा, मेरे को ये फीलिंग लगती है, क्योंकि आप ब्लू पाइन फूड, पहले लोगों को समझाओ ब्लू क्यों है, फिर फाइट क्यों है, फिर फूड क्यों है, फिर वो शेर क्या कर रहा है, फिर वो कुत्ता क्या कर रहा है, और फिर वो क्यों लड़ रहा है। अमन 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 अमन, आप ऑफर करेंगे? मैं थोड़ा सा उन्हें अपनी बता तो दूं, तो फिर एक बार ऑफर कर लेंगे, समझाते रहना। मुझे जो लगता है ना, मुझे लगता है कि आपको मार्केटिंग की तो बहुत जरूरत है अभी थोड़ी सी। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि मैं इनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, वो ऑफर 7% ना बहुत कम है हम दोनों के लिए। मैंने आपको बोला था मेरा ऑफर अगर आप शॉप अराउंड करोगे तो एक्सप्लोड हो जाएगा जी, तो वो एक्सप्लोड हो गया, बट क्योंकि मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट है, मेरे को हुरेका भी समझता है, बिकॉज इसमें आपके पैसे फंसते हैं तो फाइनेंसिंग लगती है हुरेका बिजनेस को ग्रो करने में। और क्या आप क्लाउड किचन मॉडल में जाके इसको स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू मोमो में टॉप रेटेड क्लाउड किचन बना सकते हैं, वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों हम मिलके लगेंगे आपके साथ, तो 12% 50 लाख 25-25 दोनों का।
एक बारी हम काउंटर ऑफर देना चाहते हैं, अगर हमारे शार्क्स अग्री होते हैं तो 20% थोड़ा ज्यादा होता है शार्क, सो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। सो शार्क्स, काउंटर ऑफर बताइए जी। 10% या तो 5-5% 50 लाख के लिए, नहीं तो 12% 75। थोड़ा रेस करिए शार्क्स यहाँ पे। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, बिजनेस में टाइमिंग और डील की एक अहमियत होती है, बट हर इंसान को हमेशा थोड़ा लालच आ जाता है कि नहीं अरे इन्होंने दिए तो ये तो बेटर देंगे, पर वो हमेशा होता नहीं है जी, बिल्कुल। तो हम 10% पे तो नहीं आ रहे, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑफर तो हमारा ओरिजिनल ऑफर है जिसमें अमन और मैं आएंगे और हम को 50 देंगे और हमको 12% इक्विटी चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑफर ये है कि हम उस 50 को, आप भी 25 डालना चाहते हैं तो हम उसको 75 कर देंगे, पर हम उसके लिए आपसे 18% नहीं लेंगे, आपसे 16% ले लेंगे। अगर आप अनुमति दे तो हम एक मिनट डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा वक्त मत लीजिएगा, यहाँ पे सब नहीं, बदल बिल्कुल नहीं क्योंकि फीमेल भी चाहिए मुझे, वुमेन इन बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरत है। So the deal is done, Sharks. All right, Momo Mommy. Which one? Which deal? Which deal? Which one? Which one? I want all three Sharks. So because क्योंकि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और हम लोगों को महिला जो जितने भी हैं बाकी एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट और प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Momo Mommy, rock it. चेक ले लीजिए, so ये तभी आएगा मोमो मामा वो है मामी मामी और मोमो चाचा मैं हूँ, ठीक है। Congratulations guys, you got the best deal. आपको एक शाक के प्राइस में तीन मिले। मोमो मामी अक्रॉस इंडिया, थैंक यू सो मच। उसका भी प्रोमो ऐसा ही करना, बाय वन गेट टू फ्री, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू शाक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, थैंक यू। Finally. अच्छा मिल, नहीं नहीं ठीक किया दादा, हमने नेगोशिएट भी नहीं किया और अच्छी डील भी दिला दी। लेडी बहुत जेन्युइन थी। आप सीखे कुछ अश्नीर भाई, जेन्युइन कैसे होते हैं लोग और